गाइस, हीटर की आवाज को इग्नोर करना, बट आज का दिन है, क्या दिन है मैं बताता हूँ। आज है जी 14 जनवरी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज मैंने गुड मॉर्निंग नहीं किया था, आज मैंने बस धुन दिखाई थी, मेरे को याद है, सब याद रहता है मेरे को इधर दिमाग। आज मैंने अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं किया है, मेरे पास 50-100 व्लॉग पड़े हैं, तो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी मैंने जमा कर लिया। तो आज मैं घर जाऊंगा, फ्राइडे है। अब मैंने कुछ ऑर्डर किया है, खाने का कुछ ऑर्डर किया है, बट ठंड बहुत है भाई दिल्ली में ठंड हो गई है। सुबह सुबह 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो ठंडी हवा चल रही थी। हमने क्लिनिक में जिसने भी भाई पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है कौन लेके आया, हीटर ले आया, और हीटर से जो गर्मी, बहुत मजेदार, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। थर्ड, मैंने अपने एनवाई राइट्स वाले पेज पे बहुत सारी अपलोड्स करी हैं, तो उनको जरूर देख लेना। एनवाई राइट्स पे अभी तक पहुंचे नहीं हो तो एनवाई राइट्स को सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है। और मेरा जो पेज है उसका थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट में आपको मिलेगा मेरा पेज का यूजर नेम, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। दूसरी चीज, मैं घर जाऊंगा अभी थोड़ी देर में खाना खा के, और फिर उसके बाद घर पे ही मैं हेयर कट और बियर्ड वगैरह करा लूं। और एक और चीज क्या थी, नहाया भी घर पे जाके जाएगा। बाकी मैंने बर्गर सिंह से, मैं हमेशा सोचता था कि मतलब ये क्या है बर्गर सिंह क्या है, तो आज मैंने ऑर्डर इसीलिए किया है बर्गर सिंह से क्योंकि वहां पे सब कुछ 99 रुपीज का मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बर्गर मंगवा ही लिया जाए और साथ में चॉकोलावा केक मंगाया। मेरे को जज करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा हेल्दी खाता हूँ। मैंने कल 3 अंडे खाए थे वो दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि तुम बहुत जज करते हो, तुमको लगता है कि यही जिंदगी है मेरी। तो मैंने इस हफ्ते की जिंदगी कट कट करके दिखाई है, जो तुम देखोगे और फिर तुमको लगेगा यार नवीन तो कुछ करता ही नहीं है, मैं सच में इस हफ्ते कुछ खास किया नहीं है। थोड़ा सा हाई ऑन एनर्जी रहना जरूरी होता है व्लॉग के टाइम में, वरना तुम कहोगे बोरिंग से, वे क्या डाल दिया, ये क्या कर दिया। तो वही है, लास्ट वीक का व्लॉग मैं आज अपलोड करूंगा, यानी आज 14 तारीख है और 14 तारीख मैं अपलोड करूंगा। बीच बीच में मैंने छोटी मोटी वीडियोज तो डाल ही दी थी, बिकॉज मैंने घर पे ही अपलोड की थी, मेरा इंटरनेट चल रहा था। आज अपेरेंटली 4:30 बजे तक मेरा इंटरनेट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मेरा टिकट क्लोज हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्ट 500 की टीम, बट अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक होने के चांसेस है भी नहीं। मुझे पता है, मेरे को गारंटी है कि नहीं होगा, कोई ऐसा दिमाग खपाने वाली बात नहीं है उसमें। 3 से 7 दिन उन्होंने बोला था, तो 7 दिन जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं अपना ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा लूंगा और मैं किसी और कंपनी का इंटरनेट लगवाऊंगा। मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा भाई ये एक्ट 500 वालों का सिस्टम, यहाँ पे बहुत डिले कर रहे हैं, या कोविड की वजह से हो रहा है या किसी चीज की वजह से हो रहा है, पर यहाँ पे जो भी सर्विसेज देने में इनका इतना डिले चल रहा है, अब मैं क्या बताऊँ, ये इतने ढीले हैं यहाँ पे कि इनका डिले चल रहा है। आई एम गोना क्विकली ईट एंड देन हेड टुवर्ड्स होम, जल्दी से पैकिंग करके तुरंत निकलेंगे। क्लीन ऑफ कर दिया, बर्गर दिखाना भूल गया। ये है बर्गर यार, देखो खोलता हूँ तुम्हारे सामने, अनबॉक्सिंग द बर्गर राइट नाउ, अनबॉक्सिंग स्लोली। इसके अंदर ये पनीर बर्गर है, इसके अंदर आ रही है बहुत ही टेस्टी पनीर पैटी और प्याज और मखनी सॉस, पनीर मखनी होगा ये। देखिए 99 रुपीस का है, और इसके साथ में है ये चॉकोलावा केक जो कि उतना ही टेस्टी होगा। वाह वाह, काले गुलाब जामुन जैसा लग रहा है पर ये चॉकोलावा केक है। चुपके से खा लेता हूँ, तुम चुपके से घर की ओर जाते हुए मुझे मिलना। मेरे होंठ फटे नहीं हुए हैं, मैं एक्ने का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उसकी वजह से ना ड्राइनेस हो जाती है, तो ये मैं लगा तो रहा हूँ क्रीम व्रीम, उससे ठीक नहीं हो रहा है, तुम समझ रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा ना कि यार ये क्या हो रखा है इसको, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो लोग मेरी फिक्र करते हैं ना उन लोगों के लिए ये। और बाकी अपना ख्याल रखो, अभी मैं मिलता हूँ, थोड़ी देर में मिलता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। फ़ोन चार्जिंग पे लगाना है, एक्चुअली बैटरी कम है और सफ़र करना है, फ़ोन चार्जिंग पे लगाना ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक, चलो यार, मेरे को पड़े पड़े नींद आ गई थी, मैं दोबारा से उठ गया हूँ और मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। जाऊँ? नहीं, मतलब अगर मना करोगे तो नहीं जाऊँगा। जाऊँ? ऐसे ऐसे करो फिर जाऊँगा। जाऊँ? नहीं जाऊँ? जाओ ना, जा रहा हूँ, बाय। चल हे गाइस, आई एम वेटिंग एट द सिग्नल पीरागढ़ी चौक पे, एंड इट इज़ अ 140 सेकेंड्स का लाइन, और 140 सेकेंड्स में आदमी पता नहीं क्या क्या कर ले। 140 सेकेंड्स तो आप हुए हैं भाई, इससे पहले पता नहीं कितने थे बहुत सारे सेकेंड्स थे, तो 3 मिनट से 4 3 मिनट की तो होती है यहाँ पे मिनिमम ना, 180 सेकेंड्स की तो होती है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लाइट्स में से एक है, ट्रैफिक लाइट्स में से, तो इस पे तो भैया सिग्नल पे तो इंजन ऑफ करके आदमी
50 चीजें करता है। लोग गाड़ी से उतर के काम कर लेते हैं, अपने पीछे से कुछ निकाल लेते हैं। इधर 20 सेकंड बचे हैं, मैंने इस 30 सेकंड की लाइट का काफी फायदा उठाया रिकॉर्ड करके। मैं पीरागढ़ी चौक पहुंच गया हूँ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है और बहुत ज्यादा समस्या हो रही है लोगों को, तो पर कुछ कर नहीं सकते, दिल्ली में बहुत गाड़ियां हैं यार। चलो गाड़ी स्टार्ट करने का वक्त, खोलो। कौन है भाई, कौन है भाई, आइए भाई आइए। सरप्राइज ऐसे, ये सरप्राइज है और क्या। ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा सरप्राइज है, जब बहुत बिग वाला। ठीक है, पी हो गया मैं, खुश, मैं बीमार। मम्मी रस्ते में मिली होगी, अभी गई है भटूरे लेके आएगी, वो है ना, क्या नाम है, नीरज आंटी है हॉस्पिटल में, उसकी एनिवर्सरी है यार, तो वो पार्टी दे रही है, गरम गरम खाने तो वहाँ खाया वेट के। नहीं खाना मेरे को, ये सब नहीं खा सकता मैं, खिचड़ी बन रही है। एयरटेल चल नहीं रहा है अभी, पिताजी का क्या सोल्यूशन है कि ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। क्या पावर ऑफ और पावर ऑन दोबारा करने से एयरटेल चल जाएगा दोबारा? चल तो रहा ही था वो, चल तो रहा, टीवी तो चल ही रहा था, चेंज नहीं हो रहा था ना, वो तो खाली एयरटेल का चल रहा था एक चैनल, वो अपनी एडवर्टाइज के लिए। कौन फॉर्च्यूनर में गया था? मैं उज्जैन। कैसी है फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर फोर डीजल है, डीजल से प्रॉब्लम होती है, आवाज सी करती है, अंदर भी आवाज आती है, अंदर भी आवाज आती है, क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेने पर। वो है 2015 मॉडल, कंफर्टेबल है वैसे बैठने में, इतनी बहुत ज्यादा वो नहीं लगती, ऐसे ट्रक में बैठ के ऐसे लग रही है, जो मैं ना कई गाड़ियां ऐसे वो होती थी ना लग्जरी टाइप अच्छे वाली, वो नहीं है। चल गया टीवी, बस ऑन ऑफ करना था, ऐसे ही परेशान हो रहे थे, ऑन ऑफ नहीं किया गया। देखते है ना रिमोट पे, इतना तो ये चल ही जाता था पहले भी, तो वो रहा रिमोट उठा लो। यार मैं घर आके इंटरनेट यूज़ करके मैं सब अपलोड कर चुका हूँ, और मतलब अभी लगा दिया अपलोड करने पे 3 वीडियोस, आज अभी एक व्लॉग अपलोड कर दिया जो कि तुमने देख लिया होगा ऑलरेडी, 2 वीडियोस और अपलोड कर रहा हूँ, और आज का व्लॉग मैं ये वाला जो है जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं एडिट करूँगा कभी फ्यूचर में, मतलब कल ही कर दूंगा या फिर आज ही एडिट करके मैं इसको अपलोड ऑलरेडी कर दूंगा, क्योंकि यू नो दिमाग से फिर वो निकल जाएगा कि भाई व्लॉग डालना है, व्लॉग डालना है, तो जो पुराना कंटेंट है उसको भी अपलोड करते रहेंगे, नया कंटेंट को भी अपलोड कर देंगे, और बहुत सारा कंटेंट है, डोंट वरी, तुमको फ्री फुल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझको फॉलो कर लो, अभी तक नहीं किया है तो nyrights_nyrights_ यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, और अपडेट्स मिलेंगी मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे बारे में, और मेरे सब कुछ, मैं लिखता भी हूँ, तो मेरे को वहाँ पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे मेरे की राइटिंग्स देखने को मिलेंगी तुमको, और मैं बहुत कुछ हूँ इसके अलावा भी, ठीक है, तो मिलेगा बहुत कुछ, मिलेगा बहुत कंटेंट मिलेगा। दूसरी चीज़ की मम्मी पापा चले गए हैं सिजेरियन सेक्शन कराने के लिए, तो अभी मम्मी को पता नहीं है कि मैं आया हूँ, सिर्फ पापा को पता है, तो जब मम्मी आएंगी तो उनको देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा, पता नहीं कैसा रहेगा, पापा ने बोला मैं बता नहीं रहा हूँ, जब भी वो आएंगी तो एक्चुअली शी वॉज सपोज टू कम एट 8:10 बट राइट नाउ इट इज 8:35 बिकॉज सिजेरियन सेक्शन आ गया ना, तो इसीलिए वो कराने के लिए गए हैं, तो वापस आएंगे तो उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो जो सरप्राइज वगैरह है वो डिले हो गया। पापा तो बहुत खुश हो गया भाई मेरे को देख के, बीमार थे आज तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेरे को खुद अच्छा लगा कि मतलब मेरा अनप्लान्ड सरप्राइज टर्नड आउट टू बी ग्रेट। लोग भी करते रहा करो दूसरों के लिए चीज़ें, अपने माँ बाप के लिए तो खास कर भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं, है ना। मम्मी आ गई है, आपने पहले ही बता दिया क्या मैं आ गया। खुला था ना इसलिए दिख गया मेरे को। हाँ, तू हाँ। बैठा रहा गाड़ी में, मेरे को 101% था कि ये नवीन की गाड़ी है, तभी तो गई है वहां से। हाँ इधर से मैं खड़ी रही, फिर मैंने स्कूटी बैग पीछे भी करी। अच्छा। मैंने मुड़ के ना देखा ऐसे, नंबर की भी कोशिश करी, नंबर नहीं दिखा, फिर मेरे दिमाग में आई कि गाड़ी रोक के नवीन ही बैठता है क्योंकि और कोई दूसरा बंदा फटाफट उतर लेता है। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, कोई सोचेगा ये अजीब औरत है। हाँ। देख गाड़ी में देखने आ रही है कौन है। अजीब तो आप हो। अजीब तो मैं हूँ। मैं नहाने जा रहा था, मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने दोबारा खोल दिया, अब मैं नहाऊंगा। यही पहने रखते हो आप, लोग कहेंगे सेम कपड़े पहने रखती है मम्मी, पिछले व्लॉग में भी यही था। अभी दूसरी पहन के आती हूँ। सारे तनख्वाह मिलती नहीं है, 3-3 महीने की पैसे हो
ये तो है, रिक्वेस्ट करो केजरीवाल से। केजरीवाल जी, हाँ। मेरे बेटे को 3 महीने से 3.5 महीने हो गए हैं, हाँ। अभी तक पेड़ ही मिली है। आप सोचिए, ये दिल्ली सरकार का ये हाल है तो हरियाणा वाले क्या करें। 3 महीने से आप पेड़ नहीं दे रहे हो, जो हमारी मिलती है उसमें से हम इसको दे रहे हैं, और ये मुझे बोल रहे हैं कि आप यही जैकेट पहनते हैं तो हमें तो यही जैकेट पहननी पड़ेगी। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी पे जल्दी दी जाए, ताकि हमारा खर्चा कुछ, हमारे पैसे कुछ बचत में जाए और इसका काम चल सके। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, इसने जो सेविंग कर रखी थी हमारी वो भी यूज कर चुका है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार और केजरीवाल जी की जल्दी से जल्दी मेडिकल ऑफिसर्स नवीन की पे दी जाए। मोहल्ला क्लिनिक बुराड़ी। आपको भी करनी है रिक्वेस्ट? नहीं, बस थैंक यू। ये क्या कर दिया आपने? क्या देख रहे हैं? ये कैसे किया? गिर गया भाई, ये बाथरूम में गिर। शुक्र है प्लस में ना गिरा। यो एकदम सेम मेरे फोन के साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी तो हुआ, मेरा तो इमरजेंसी में गिरा। मैं अपना कैसे दिखाऊं? दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ, अपना कैमरा ऑन करो। ऐसे मेरा ये शुक्र है, ये कोना एक साइड का गिर के अगर स्क्रीन टूट जाती तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। तो इसको ठीक कैसे कराओगे अब? कुछ नहीं, अब और ज्यादा ध्यान रख। ठीक करा सकते हो इसको? ठीक करा लो, मैं तो कराऊंगा अपने। ये कैसे ठीक होएगा? ये लेके जाओ वन प्लस में। अरे इतना तो लगता ही है भाई, ग्लास तोड़ोगे तो और एक दो बार टूटने तो फिर वो खराब हो जाएगा बिल्कुल। अब पानी नहीं गिर सकता इसके ऊपर, पानी में मत करना। और इस पे कवर लगाओ ना रेडी, अब उसका कांच टूट के लग जाएगा हाथ में। मैंने तभी तो कवर लगाया हुआ है, वरना मैं क्यों लगाता था? मैं बिना कवर के मेरा टूटा कैसे था? मेरा फ्लश में गिर गया था। मैं सुबह सुबह नींद में गया हूँ और मेरे हाथ से स्लिप कर गया और फ्लश में गिर गया। मैंने हाथ तुरंत फ्लश में डाल दिया था ऐसे कैसे, वो मेरे फ्रेश होने से पहले गिरा था। हमारा वहां पे ना पूल पार्लर था हमारा, वहां पे हम पूल खेलने जाते थे स्नूकर, जिन्होंने वहां पे खोल दिया। आज शुभम ने फोटो भेजी, हमारा मिलेनियम नहीं रहा करके। वहां पे हम पूल स्नूकर खेलने के जाते थे, सबसे अच्छी पूल और स्नूकर टेबल थी अंडरग्राउंड अंकल। हाँ, तो अंकल से तो हम मिले हुए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चे थे वो जब खेलते थे, जब हम खेलते थे। नहीं, छोटे बच्चे थे, उनके पोते थे। जो भी है, हमारा मिलेनियम में खेलते थे हम पूल स्नूकर। मैं, शुभम, निशेष, वासु सब जाते थे वहाँ, सबसे अच्छा क्वालिटी वाला। वहाँ मैगी भी खाते थे हम। वो लड़का तो 32 साल का है जिसने खोला है, तेरे से बड़ा है। अच्छा, नहीं मिलेनियम नहीं, डेबोनेयर था उसका नाम। डेबोनेयर में जाते थे, वही डेबोनेयर ही है वहाँ गली में जाके, है ना, जहाँ पे महात्मा, वो एक बुक स्टोर भी है जहाँ पे लाइफ केयर हॉस्पिटल था, वो वाली रोड पे ही, उसी में अंदर गली में जाके लाइफ केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे पुराने वाला लाइफ केयर हॉस्पिटल था। मेडिकल मोड पे हो गया ये तो यार, शिला टाकी से उतर के नहीं है, शिला के एक्शन कर दी जाए। मिलेनियम है, मिलेनियम जो सुभाष नगर में खुला हुआ था हमारा, जहाँ पे हम पूल खेलने जाते थे, जहाँ पे फ्लोर बने हुए थे, ग्राउंड फ्लोर पे भी खेलते थे, फर्स्ट फ्लोर पे भी खेलते थे, और फर्स्ट फ्लोर पे बहुत सारी पूल, जहाँ से मैंने पहली बार पूल खेलना स्टार्ट किया था, वो जगह अब रेनोवेट होके उन्हीं के ओनर ने वहां पे लैक में सैलून खोल लिया है ना, ये कहना चाहते हो? पार्क भी तो है। हाँ, पार्क भी, शीतल का घर जहाँ पे है। हाँ, शीतल का घर। हाँ, शीतल का घर, ग्रेट सक्सेस। शीतल का घर बिल्कुल। हमने सक्सेसफुली एक बात को डिस्कस किया बिना कलेश करें। ऐसे परिवार होना चाहिए। हरी चटनी है ये, टमाटर की चटनी है? कौन सी चटनी है? टमाटर, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, मिर्च। हाँ, हो गया। इसके साथ मलाई, इसके साथ दूध, और दूध गरम दूध मत दिया करो मम्मी। नहीं है, हल्का कोसा है, बिल्कुल ठंडा दूध नहीं पी सकते। हमारे पास दाल, चीनी, चावल, आटे के पैसे बचे हुए हैं। राशन के पैसे बचे हुए हैं। राशन के पैसे होने चाहिए। हाँ, राशन के तो है, राशन तो हम बाकी सब सेविंग में डाल दो, इमरजेंसी फंड में डाल दो और अपने बच्चों पे उड़ा दो। बताना चाहता हूँ जो मैंने आज चटनी मलाई खाई है, चटनी इतनी मिर्च थी, और मेरा इतनी मिर्च तो नहीं, मैं मम्मी को बताना चाहता हूँ, मिर्च कम थी, पर मेरा जो है पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, और जो जला है इसी के साथ इस ब्लॉग को करते खत्म।
ऑल्सो ठंड इतनी है कि ये साथ में लेके आना पड़ रहा है वॉशरूम में, तो समस्या बहुत है। ठंड बहुत लगती है। बाथरूम सबसे ठंडा प्लेस है पूरे घर का, ये आप एग्री करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, मैं सब लोग एग्री करेंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का, मेरे ब्लॉग्स देखते रहो, और आई रियली होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक